वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 15 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अभिग्रह मामलों पर संसदीय समिति ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए संबंधित जो 3 विधेयक थे उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये 3 आपराधिक कानून कौन से थे? तो इसमें आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित जो 3 विधेयक थे, इसमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC की 1860 का स्थान लेने वाली ये भारतीय न्याय संहिता 2023 बन गया है। जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है नाम इसका। दंड प्रक्रिया संहिता ये 1973 में कानून आया था। जो दंड प्रक्रिया संहिता ये 1973 का स्थान लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये 2023 में इसको बदल दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 1872 में कानून आया था, इसके स्थान लेने वाला 2023 में भारतीय साक्ष्य विधेयक लाया गया है। बाद में इन विधेयकों को आगे की समीक्षा के लिए PSC को भेज दिया गया है। इन विधेयकों को कुछ उद्देश्य इनके होंगे, इसमें ये अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद करेंगे और समय पर न्याय सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य है। और अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना इनका मेन उद्देश्य था। न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में भी वृद्धि करना आदि मतलब इनका उद्देश्य है। इन विधेयकों द्वारा किए जाने वाले मुख्य बदलाव इसमें क्या किए गए हैं? तो इसमें IPC की धारा 370 को हटा दिया गया है। ये धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक एवं संबंध से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने अभी व्यभिचार से संबंधित IPC की धारा 497 को नष्ट कर दिया है और IPC के प्रावधानों के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR दर्ज करवाने की व्यवस्था भी करते हैं, इनमें शामिल होगी कानूनों में। और गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना आदि इसे शामिल है। अब समिति द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई हैं। सिफारिशें क्या दी गई हैं देख लेते हैं। तो इस समिति ने IPC की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। ये व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन FIR की अनुमति दी जानी चाहिए और आर्थिक अपराधों के अपराधियों हेतु हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। एक कुछ इसकी समिति की सिफारिशें हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन और सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है बिरसा मुंडा के बारे में, तो आइए देख लेते हैं इनको। ये बिरसा मुंडा हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वह आदिवासियों के जो आइकन बिरसा मुंडा हैं उनकी जयंती पर अब उनके पैतृक गांव जाएंगे और उनके समुदाय के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू करेंगे। तो अभी इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जनजाति से आने वाले एक लोकनायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने एक भारतीय जनजातीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया जो 19वीं शताब्दी में शुरू कर ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड क्षेत्र में उभरा। उन्होंने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए जबरदस्ती जमीन हड़पने के खिलाफ एकजुट किया और आदिवासियों को बंधुआ मजदूरों में परिवर्तित और घोर गरीबी के लिए के खिलाफ उन्हें कर दिया मजदूरों को। उन्होंने लोगों को अपनी जमीन के मालिक होने पर उस पर अपना अधिकार जताने का महत्व को महसूस करवाने के लिए उसको उनको प्रभावित किया। आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की प्रक्रिया के रूप में बिरसा मुंडा ने 1894 में अंग्रेजों और दीकुओं को, जो अंग्रेजों को दीकू बोलते थे, उनको बाहरी लोगों के खिलाफ उलगुलान या विद्रोह की घोषणा की। उन्होंने बिरसाइत नामक एक मत की स्थापना की।
धरती आबा या धरती के पिता के रूप में जाने जाने वाले बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने धर्म का अध्ययन करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को ना भूलने की आवश्यकता पर बल दिया। बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इनकी मृत्यु 19 जून 1900 ईस्वी को 25 वर्ष की आयु में हो गई थी। आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ इनके संघर्ष के कारण 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित होने के रूप में ब्रिटिश सरकार को बड़ा झटका लगा। इस अधिनियम ने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों को जमीन देने पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन पर इनके प्रभाव को देखते हुए 2000 में इनकी जयंती पर झारखंड राज्य निर्माण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है Arrow 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने पुष्टि की है कि उसने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने अत्याधुनिक Arrow 3 मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया है। Arrow 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक लंबी दूरी के खतरे से निपटने के लिए एक बाह्य वायुमंडलीय एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस मिसाइल को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिका में मिसाइल डिफेंस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसे शुरुआत में 2017 में तैनात किया गया था तथा ये इसराइल के परिष्कृत वायु रक्षा नेटवर्क का शीर्ष हिस्सा है। इसे वायुमंडल से बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए 2 चरण वाले ठोस ईंधन वाले इंटरसेप्टर का उपयोग करता है। इसमें एक लॉन्चर, रडार और युद्ध प्रबंधन प्रणाली शामिल होती है। इसकी परास 2400 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की ऊंचाई के खतरे को भी ये रोक सकता है। इसमें प्रारंभिक चेतावनी, अग्नि नियंत्रण रडार, ये विस्तारित रेंज अधिग्रहण के साथ साथ ये बहुलक्ष्य अधिग्रहण और ट्रैकिंग क्षमताएं भी प्रदान करता है। ये काम कैसे करता है? तो ये आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए हिट टूल की तकनीकी का उपयोग करता है। इसको मिसाइल को लंबवत रूप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसकी दिशा अनुमानित अवरोधन बिंदु की ओर बदल दी जाती है। मतलब इस तरह से इसको लॉन्च किया जाता है इस तरह से, और उसके हिसाब बाद इसकी दिशा को बदला भी जा सकता है। उच्च रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लक्ष्य को भेदने और हथियार को नष्ट करने के लिए, इसमें मारक वाहन के लिए लक्ष्य प्राप्त करता है ये। हमारा अगला आर्टिकल है नीपर नदी के बारे में। तो अभी हाल ही में रूस की सेना ने उसकी सेना ने उस नीपर नदी के पूर्वी तट पर पुल बनाने के यूक्रेनी प्रयास को विफल कर दिया है। तो अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो उससे पहले इसको मैप में देखते हैं। तो ये मैप है और इसमें ये रसिया है और ये बेलारूस है, ये यूक्रेन है। ये इन 3 देशों से होकर नीपर नदी बहती है और ये रूस के मॉस्को से निकलती है और मॉस्को से निकलकर बेलारूस होते हुए यूक्रेन में प्रवेश करती है ये, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव के पास से होते हुए ये आकर ब्लैक सी में यानी काला सागर में गिर जाती है। तो ये 3 देशों से गुजरती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। नीपर नदी ये बोल्गा, डेन्यू और यूराल के बीच यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसका नाम रूसी भाषा में नेपर है और इसे यूक्रेन में नीपर नीप्रो और बेलारूस में न्याप्रो कहा जाता है। पूर्वी यूरोप में स्थित नीपर नदी और इसकी सहायक नदियां बेलारूस और यूक्रेन की अधिकांश हिस्सों में बहती हैं। ऐतिहासिक रूप से इस नदी ये यूक्रेन को के दाएं और बाएं किनारों में विभाजित करती है। मतलब यूक्रेन का अगर ये मान लो मैप है तो इसको दाएं बाएं किनारे बीच से निकलती है इसकी कीवर, तो दाएं बाएं किनारे तो दो में विभाजित करती है। अफवाह क्षेत्र, तो इसका उद्गम स्थल रूस के मॉस्को के पश्चिम से बलदाय पहाड़ियों में होता है और ये काला सागर में गिरने से ये पूर्व पश्चिम रूस और बेलारूस यूक्रेन से होकर कुल 1368 मील की दूरी तय करती है। इसके जलमार्ग का लगभग 300 मील का हिस्सा रूस में है
और 430 मील बेलारूस और 680 मील यूक्रेन, यानी सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई यूक्रेन में है, इसके भीतर स्थित है। ये कई शहरी केंद्रों से होकर गुजरती है, जैसे कि रूसी शहर जो है स्मोलेंस्क और डोरोगोबुज, साथ ही बेलारूस में मोगिलेव और यूक्रेन के कीव, चरकासी, डिनिप्रो और जापोरिजिया से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियों में तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनकी इसकी 32,000 सहायक नदियां हैं, जिसमें सोज, डेसना, डुब्रिज, बिलोरेजिका, ड्रुत, बेरेजिना और प्रीपियाट नदियां इसमें आ दीजिए, कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। हमारा अगला आर्टिकल है वधावन बंदरगाह के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसने 76,220 करोड़ रुपए के बंदरगाह के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले कुछ महीनों में सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने की संभावना भी है इसमें। तो ये महाराष्ट्र के वधावन में 75,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित कंटेनर बंदरगाह परियोजना है। ये बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नए बंदरगाह के तट के करीब लगभग 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है, जिससे बड़े जहाज़ों को संभालना संभव हो सकेगा। ये 16,000 से 25,000 TEU यानी 20 फीट समतुल्य इकाइयां क्षमता के कंटेनर जहाज़ों को संभालने में सक्षम बनाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और रसद लागत कम होगी। इसे लगभग 254 मिलियन टन कार्गो संभालने के लिए डिजाइन किया गया जाएगा। इसे हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बंदरगाह और बंदरगाह पर आने वाले जो जहाज होते हैं उनको हरित ईंधन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इसका निर्माण और संचालन की योजना बनाई जा रही है। तो देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में। तो इसे भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जो भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाले जाने के कुल कंटेनरों का लगभग 55% संभालता है। ये मुंबई के पूर्वी में नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह को थाणे क्रीक के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, मतलब इसको थाणे क्रीक के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इसे न्याबा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सामान्य नाम यहीं यहाँ स्थित न्याबा सेवा गांव के नाम से लिया गया था। ये बंदरगाह पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का टर्मिनल भी है। कुछ अन्य बंदरगाहों में इसमें भारत में कुछ अन्य बंदरगाह हैं, इसमें चेन्नई बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में है। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। कामरा जार बंदरगाह या एन्नोर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु चेन्नई में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोचीन केरल में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। मुरमगांव बंदरगाह, ये गोवा में है। मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, सॉरी मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र मुंबई में है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तोतीकुरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है अभी CITES की स्थायी समिति ने 77वीं बैठक में रेड सैंडर्स, जो लाल चंदन होता है, उसको RST को हटाने का निर्णय लिया है। तो तभी ये चर्चा में, इसको देखते हैं। RST यानी रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, वस्तुतः ये पादपों और जंतुओं के निर्यात पर नज़र रखने के लिए साइट्स द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी समिति यह जांच करती है कि जो देशों द्वारा प्रजातियों का निर्यात में और साइट्स के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अनुमान न करने पर अनुशासन अनुपालन विश्वास न करने पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसको किया जाता है, और इस कार्रवाई में व्यापार का निलंबन भी शामिल होता है। भारत में रेड सैंडर्स 2004 से RST प्रक्रिया के अधीन है। रेड सैंडर्स को RST को हटाने से इसे उगाने वाले किसान जो होते हैं इनके वैध व्यापार की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकेंगे। ये रेड सैंडर्स को RST से हटाने में अन्य कारकों के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया जाएगा संशोधन, 2022
भी बहुत मददगार सिद्ध हुआ है। इस संशोधन द्वारा साइट्स नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम के तहत अनिवार्य किए गए साइट्स के प्रावधानों का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप साइट्स को स्थायी समिति ने भारत को साइट्स की श्रेणी में 2 श्रेणी 1 में स्थानांतरित कर दिया गया है। NLP के तहत अनुपालन स्तर के आधार पर पक्षकारों को साइट्स की 3 श्रेणियों में किसी एक श्रेणी में रखा जा सकता है। रेड सैंडर्स, लाल चंदन और एरो चंदन को रक्त चंदन, रक्त चंदनम के नाम से के बारे में देख लेते हैं। तो ये इसका ये पूर्वी घाट जो रेड सैंडर्स है इसको लाल चंदन, एरा चंदनम या रक्त चंदन इसको बोलते हैं। और इसके बारे में तो ये इसका वितरण मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पूर्वी घाट के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का स्थानिक प्रजाति है और इसे पूर्वी घाट का गौरव भी कहा जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति देखते हैं तो ये ICUN की लाल सूची में एंडेंजर्ड है, इसके एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल होता है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 4 में सूचीबद्ध है। अन्य विशेषताओं में तो ये इस वृक्ष में तने का गहन आंतरिक भाग अंतःकाष्ठ मतलब एक लाल के वर्णक सेंट्रलिन से रंजित होता है। इस लाल रंग के कारण इस लकड़ी का मूल्य बहुत अधिक होता है। साइट्स NLP के अंतर्गत कुछ पक्षकारों की 3 श्रेणियां हैं। इसमें प्रथम श्रेणी में इसके तहत कानून शामिल होता है जो आमतौर पर साइट्स के कार्यान्वयन के लिए जरूरी आवश्यकता को पूरा करता है। श्रेणी 2 में ऐसा कानून है जिसमें आमतौर पर यह माना जाता है कि साइट्स के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। और श्रेणी 3 में वह कानून है जिसके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि साइट्स के कार्यान्वयन के लिए जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों पर पादपों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है मतलब खतरा उत्पन्न ना हो। हमारा अगला आर्टिकल है केंद्र राज्य जो केंद्र सरकार ने भी राज्यों को आदर्श जेल और सुधारक सेवा अधिनियम 2023 लागू करने का सुझाव दिए हैं उसके बारे में, तो इसको देख लेते हैं। आदर्श जेल अधिनियम 2023 का उद्देश्य जेल प्रशासन से संबंधित सभी प्रासंगिक समस्याओं का समग्र रूप से समाधान करना है। नए कानूनों ने जेल अधिनियम 1894 की जगह ली है। साथ ही इन कानूनों में जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स एक्ट 1900 और प्रिजनर्स ट्रांसफ़र एक्ट 1950 के प्रासंगिक को भी शामिल किया गया है। आदर्श जेल अधिनियम 2023 की मुख्य प्रावधान कुछ हैं तो इसको देखते हैं। तो इसमें अधिक सुरक्षित जेल यानी ऐसी जेलें जो गैंगस्टर या खतरनाक अपराधियों को रखा जाएगा और ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जेल होंगी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, इसमें स्वतंत्र न्यायालय परिसर भी होंगे। जेल सुधार और सुधारक सेवा निदेशालय, तो इसका कार्य जेल में संबंधित नीतियों को लागू करना होगा, साथ ही अलग अलग जेलों में सुधारक सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। कैदियों का वर्गीकरण, तो कैदियों का मुख्य श्रेणियां होंगी, इसमें सिविल कैदी, अपराधी कैदी, दोष सिद्धि कैदी और विचाराधीन नज़रबंद आदतन अपराधी आदि और तथा रेसिडिविस्ट यानी दोबारा अपराध करने वाला कैदी, इनमें इनको विभाजित किया जाएगा, इनका वर्गीकरण किया जाएगा। अलग अलग जेल व्यवस्था, तो अलग अलग श्रेणी के कैदियों के लिए तथा महिला ट्रांसजेंडर आदि विशेष जरूरतों को देखते हुए अलग अलग जेलों की व्यवस्था इसमें करनी होगी। कर्मचारी कल्याण विंग, तो इसकी स्थापना जेल और सुधारक सेवा महानिदेशालय करेगा। ये विंग जेल कर्मचारियों से संबंधित कल्याणकारी उपाय करने के लिए सरकार की सहायता करेगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो संपूर्ण जेल प्रशासन को कंप्यूटरीकृत करने का प्रावधान किया गया है इसमें, और साथ ही जेल संबंधित डेटाबेस को अंतर संचालनीय दंड न्यायालय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का भी उपबंध किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरण का उपयोग करना, तो इसमें पैरोल और फरलो पर जाने वाले कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस की निगरानी उनसे निगरानी करने का भी उपबंध किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुलिस जमानत पर छूटे एक आतंकवादी की निगरानी करने के लिए GPS ट्रैकर एंकलेट का उपयोग किया गया है। कैदियों के स्वास्थ्य को देखभाल, तो इसमें कैदियों की पर्याप्त और लैंगिक रूप से
अनुक्रियाशील स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तक पहुंच प्रदान की जाएगी। भारत में जेल प्रशासन कैसा है तो इसमें देखते हैं, जेल और उनमें बंद कैदी ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है ये, और दांडिक यानी आपराधिक न्यायालय में जेलों के महत्व को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय समय पर मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करता रहता है। हमारा अगला आर्टिकल है पटाखों से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनसे। तो पटाखों में कई रासायनिक पटाखों में कई रसायन मौजूद होते हैं, इसके लिए ये अत्यधिक संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। पटाखों में मौजूद कुछ रसायन निम्नलिखित हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें स्ट्रोंटियम ये लाल रंग का उत्पन्न ये लाल रंग उत्पन्न करता है और ये रसायन बच्चों की हड्डियों के विकास को बाधित करता है। दूसरा है बेरियम, ये हरा रंग का उत्पन्न करता है हरा रंग, और ये रसायन तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। और दिल का तेजी से धड़कना यानी हार्ट ट्रेमर, कमजोरी, पक्षाघात इत्यादि का कारण ये बनता है बेरियम। तीसरा है तांबे के यौगिक, ये नीला रंग उत्पन्न करते हैं और ये त्वचा रोग, कैंसर, हार्मोन संबंधी विकार आदि का कारण बनते हैं। चौथा है एल्युमिनियम, ये सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, इसके संपर्क में आने वाली त्वचा में जलन सूजन होती है। इसके अतिरिक्त ये जैव संचयन का भी कारण बनता है। पांचवा है एंटीमनी सल्फाइड, ये चमक प्रभाव उत्पन्न करता है और कैंसर का कारक ये रसायन है, और ये अल्जाइमर रोग का कारण भी बन सकता है। पटाखों में बेरियम नाइट्रेट और लिथियम एगू का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये श्वसन संबंधी समस्याओं को भी उत्पन्न करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, उसके बारे में। तो अभी हाल ही में ओपेक ऊर्जा वार्ता संपन्न हुई है भारत की ओपेक की, इसमें दोनों पक्षों ने सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया है, और भारत अपनी ज़रूरतों का 60% कच्चा तेल ओपेक देशों से आयात करता है। भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, और विश्व में कच्चे तेल के दो सबसे बड़े आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। 2022 से 45 के दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 28% से अधिक होगी। ओपेक के बारे में कुछ देखते हैं, तो ओपेक ये इसके 13 बड़े उत्पादक देशों का एक जो तेल उत्पादक कच्चे तेल उत्पादक होते हैं उनके 13 बड़े देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, और इन देशों में विश्व का लगभग 80% प्रमाणिक तेल भंडार मौजूद है, और साथ ही ये देश वैश्विक इस तेल उत्पादन का लगभग 40% का योगदान देते हैं। ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। हमारा अगला आर्टिकल है चारधाम परियोजना के बारे में। तो अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो निर्माणाधीन यानी कार्य चल रहा था एक टनल का, सिलकियारा टनल, ये सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच बन रही थी, इसका एक हिस्सा ढह गया है, और यह टनल चारधाम की 12 मासी राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है। तो इसमें भी लगभग 40 से ज़्यादा मजदूर फंसे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं है उनका कि उन किस हालत में है वो, तो तभी ये चर्चा में है। तो चारधाम परियोजना देख लेते हैं। ये सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया जाता है आता है, और इस परियोजना इसका उद्देश्य उत्तराखंड में अवस्थित चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए कनेक्टिविटी को सुधार करना है। ये परियोजना यात्रा को लगने वाले कुल समय और ईंधन लागत 30 से 40% तक कम कर सकती है, और चीन के साथ लगती सीमा की सुरक्षा में भारतीय सेना की भी मदद करेगी। ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को भी प्रोत्साहन देगा। थैलोडोमाइड त्रासदी के बारे में देख लेते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने थैलोडोमाइड त्रासदी में प्रभावित सभी नागरिकों से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया है। थैलोडोमाइड शामक प्रभाव उत्पन्न करने वाली दवा है, ये 1950 के दशक में गर्भवती महिलाओं को मतली यानी जी मचलाना किससे निजात दिलाने के लिए ये दवा लिखी जाती थी। हालांकि बाद में पता चला कि ये दवा अजन्मे बच्चों के अंग, चेहरे की बनावट और आंतरिक अंगों को विकृत करने का कारण भी बन रही है। थैलोडोमाइड त्रासदी में दवा परीक्षण, विपणन, वितरण और उपयोग से संबंधित विनियमनों को सख्ती से लागू करना आवश्यक कर दिया है। हमारा अगला आर्टिकल है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी ईओपीए के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ईओपीए के तहत 9 मैतेई चरमपंथी समूहों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया है। ईओपीए व्यक्तियों और संगठनों
कि कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम तथा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून है। यूपीए केंद्र सरकार को आपराधिक गजट अधिसूचना के माध्यम से किसी संगठन या संघ को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। यूपीए अधिनियम के तहत मामलों की जाँच राज्य पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA दोनों कर सकती हैं। प्रतिबंध के खिलाफ अपील या सुनवाई के लिए प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।